गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम यहाँ पर करेंगे, आप कल पढ़ रहे थे चावल की खेती के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे यहाँ पर गेहूँ की खेती के बारे में। देखिए, हमारी जो मुख्य खाद्य फसल है वो हमारी चावल है। दूसरी नंबर पे हमारी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ है। भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार है। देखिए, उत्तर पश्चिमी की बात की गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा पश्चिमी एरिया है और ये हमारा कौन सा है? उत्तरी एरिया है। तो इसमें जो मुख्य आहार फसल की बात की जाए तो वो गेहूँ है। यह खाद्यान्न प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विभिन्न विटामिनों से युक्त है। इसमें एक प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं। उत्पादन तथा वितरण देखते हैं। गेहूं जो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, अतः इसे सर्द ऋतु तथा खरीफ के मौसम में बोया जाता है। भारत में गेहूं की खेती गंगा के जो उत्तरी मैदान हैं, मालवा का जो पठार है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में 2700 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। इस प्रकार गेहूं की फसल का 85% तक क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक सीमित है। रबी की फसल होने के कारण इसे सिंचाई की सुविधा वाले इलाकों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य भारत के मालवा पठारीय क्षेत्रों में गेहूं वर्षा पर निर्भर करता है। उपज की दिशाएं देख लेते हैं, कितने कितने डिग्री टेम्परेचर की इसमें आवश्यकता होती है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु और जलवायु जो है वह पाई जाती है, वे मिट्टियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तापमान की बात करते हैं, जाड़े के आरंभ में गेहूँ को बोते समय कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए? लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और पकते समय टेम्परेचर 15 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पाला जो होता है वो इसके लिए हानिकारक होता है। अब वर्षा की बात करते हैं तो गेहूं के लिए आदर्श वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात होनी चाहिए, जबकि हम यहाँ पर गेहूं के लिए देखें तो कम बरसात की ज़रूरत होती है। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होती है वहाँ इसे उगाया जा सकता है। गेहूँ को बोते समय भूमि में नमी या सिंचाई की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूँ की कृषि नहीं की जाती है। वास्तव में 100 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा गेहूं और चावल के क्षेत्रों को अलग करती हैं। सर्दियों में उत्तर भारत में होने वाले चक्रवातीय वर्षा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होती हैं। सिंचाई से गेहूं की कृषि 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिट्टी की। गेहूँ अनेक प्रकार की मिट्टियों में बोया जाता है। इसकी जो मिट्टी होती है वह हल्की चिकनी, भारी दोमट व बलुई दोमट मिट्टी गेहूँ की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। भूमि देखते हैं, इसकी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग जो हैं वह अनुकूल हैं, क्योंकि समतल भूमि पर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग जो है वह आसानी से सुगमता से किया जा सकता है। श्रम की बात करते हैं, गेहूं की कृषि में कृषि यंत्रों का प्रयोग अधिक होने के कारण मानवीय श्रम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उत्पादन देखते हैं, भारत विश्व का 12% गेहूँ का उत्पादन करता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। टोटल एरिया जिस पे फसलें उगाई जाती हैं तो उसमें से 14% एरिया पे अकेला गेहूं की पैदावार की जाती है। गेहूं के अंतर्गत अक्षेत्र के 90% से ज़्यादा भाग पर उपज देने वाले बीज, जो हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज होते हैं उनको उगाया जाता है। वे गेहूं की कुल फसल गत अक्षेत्र का 85% भाग सिंचित होता है। हरित क्रांति के प्रभावाधीन भारत में गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पहले के कंपैरिजन में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है गेहूँ के उत्पादन में। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्या है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का लगभग 84% गेहूं 5 राज्यों में पैदा होता है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट? वीट के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आप जवाब देंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश। सिंचाई की सुविधा से युक्त उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूं की नई संकर जाति की फसलें पैदा की जाती हैं। इन सुविधाओं के कारण ही पंजाब और हरियाणा देश में गेहूं के धान्यागार बन गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश की पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग गेहूं के अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इन राज्यों
या अक्षेत्रों की काली मिट्टी गेहूं की फसल के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। गेहूं के अंतर्गत बड़े अक्षेत्र का नतीजा है कि बिहार और पश्चिमी बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन और उपज दोनों ही बड़े हैं। ये दो राज्य देश के 7% से अधिक गेहूं पैदा करते हैं। पश्चिमी बंगाल में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज जो है वह ज़्यादा है। अब बात करेंगे हमारी तीसरी खाद्य फसल के बारे में, जो एक मोटा अनाज है वो है ज्वार। ज्वार एक मोटा अनाज है। चावल और गेहूं के बाद ज्वार ही भारत का मुख्य खाद्यान्न है। ठीक है, चावल और गेहूं के बाद नेक्स्ट फसल कौन सी है? ज्वार है। दक्षिणी जो हमारा पठार है वे मध्य भारत के अर्धशुष्क भागों में, जहाँ गेहूं और चावल की कृषि नहीं की जाती, ज्वार विस्तृत क्षेत्र में उगाई जाती है। इसका चारा बहुत पौष्टिक होता है। वे विशेषकर दुधारू जो पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके लिए यह काफ़ी लाभदायक होता है, या आप ये कह सकते हैं कि उन पशुओं को यह खिलाया जाता है। अब उपज की दशाएँ देखते हैं। यह गर्म तथा अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेशों का पौधा है। उत्तर भारत में है खरीफ की फसल, जो मुख्यतः चारे की फसल के रूप में उगाई जाती है, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह रबी खरीफ दोनों मौसम में बोई जाती है। इसके बढ़ने के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 45 डिग्री औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। यह फसल बिना सिंचाई की होती है। अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है। और इसके लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है बेटा? लाल की भी हो सकती है, पीली, दोमट, जलोढ़, चिका, काली, इनमें से कोई भी मिट्टी यदि मौजूद है तो ज्वार की फसल को उगाया जा सकता है। उत्पादन तथा वितरण देख लेते हैं। ज्वार का क्षेत्र तथा उत्पादन निरंतर घटते जा रहे हैं। 2011-12 में ज्वार देश के कुल बोई गई क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोई गई तथा इसका उत्पादन जो है वह 73 लाख था। ज्वार का अधिकतम उत्पादन सन 1992 से 93 में 128 लाख टन था। स्पष्ट है कि ज्वार का उत्पादन जो है वह घट रहा है। इसका कारण किसानों का अन्य फसलों के प्रति रुझान है। पहले ज्वार का उत्पादन ज़्यादा किया जाता था और आज के समय में कम किया जाता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो इसका उत्पादन है वह घट गया है, और उसका एग्जैक्टली रीज़न है कि जो किसान हैं उनका रुझान जो है वह अन्य फसलों की तरफ ज़्यादा है। ज्वार का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। देश में ज्वार की कुल उपज का 75% भाग दक्षिणी भारत में ही पैदा होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर इसमें कौन है? महाराष्ट्र है। अग्रणी राज्य की यदि हम बात करें तो आधे से अधिक हिस्सा जो है वह महाराष्ट्र राज्य से उगाया जाता है। ज्वार के अन्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा पर निर्भर है और इसकी उत्पादकता जो है वह भी कम है। अब बाजरा की बात करते हैं। बाजरा अफ्रीका का मूल पौधा है। यदि बाजरे की बात की जाए तो बाजरे का मूल स्थान कौन सा है बेटा? अफ्रीका कंटिनेंट है। और बाजरे का प्रयोग खाद्यान्न तथा पशु आहार के रूप में होता है। यह उत्तरी भारत में खरीफ तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। उपज की दिशाओं की बात करते हैं। बाजरा भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। यह एक कठोर फसल है जिसमें इस इलाके में बार बार आने वाले सूखे के दौरों को सहने की प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है या हो गई है। बाजरे को अकेले तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जा सकता है। बाजरे के लिए एवरेज टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की काफ़ी कम आवश्यकता होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर यदि बरसात होती है तो वह इसके लिए सफिशियंट है, और यदि भारी वर्षा हो जाती है तो यह फसल खराब हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारी वर्षा जो है वह बाजरे के लिए हानिकारक है। यह रेतीली मिट्टी में भली भांति पैदा हो जाता है। अच्छी जल निकास वाली बलुई, दोमट तथा उथली काली मिट्टियों में बाजरा खूब पैदा होता है। उत्पादन तथा वितरण की बात करते हैं। बाजरा देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग में बोया जाता है। 2009-10 में बाजरा 87 लाख हेक्टेयर में बोया गया।
तथा इसका उत्पादन 88 लाख टन हुआ है। बाजरा हमारे कुल कृषि का कितना भाग है बेटा? 7% है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुजरात तथा राजस्थान भारत के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग आधा भाग उत्पादित करता है। बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन से स्टेट में होता है? गुजरात में होता है। उत्तर प्रदेश का 13% तथा महाराष्ट्र का 10% बाजरा उत्पादन करते हैं। इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में भी बाजरे की खेती की जाती है। राजस्थान में वर्षा निर्भर फसल होने के कारण बाजरे की उत्पादकता कम है तथा साल दर साल इसके उत्पादन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मक्का फसल के बारे में, मेज के बारे में। अन्य मोटे अनाजों की भांति मक्का भी निर्धन वर्ग का भोजन है। इसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए इसका प्रयोग पशुओं को मोटा करने के लिए किया जाता है। भारत के आदर तथा सिंचित क्षेत्रों में ही है मुख्य खाद्यान्न है। उपज की दिशाएं, मक्का निम्न कोटि की मिट्टी में तथा अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में उगाया जाता है। इसके लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पाला और सर्दी इसके लिए हानिकारक है। नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी में मक्का भली भांति उगता है। जो नदियों द्वारा दोमट मिट्टी लाई जाती है उसमें ये आसानी से उगाया जा सकता है। उत्पादन तथा वितरण देख लेते हैं मक्के का। भारत संसार का केवल 2% मक्का पैदा करता है। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत मक्का भारत के द्वारा पैदा किया जाता है? टोटल 2%। देश के लिए कुछ कुल फसलगत क्षेत्र के 3.5% भाग पर मक्का की फसल बोई जाती है। 2008-09 की यदि हम बात करें तो भारत में 82 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 193 लाख टन मक्का की पैदावार हुई थी और 2000 के बाद मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। संकर जाति की उपज बढ़ाने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के साधनों व मक्के की उत्पादकता को बढ़ाने में भरपूर सहायता की है। 1951 से 2001 की अवधि में मक्का के उत्पादन में लगभग 9 गुना वृद्धि हुई है। कितनी टाइम्स इसमें वृद्धि हुई है? 9 गुना इसमें वृद्धि हुई है। सन 2011-12 में मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? 2355 किलोग्राम हो गई है, जो 1951 में कितनी? मात्र 547 किलोग्राम थी। मक्का की खेती किसी क्षेत्र विशेष में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोया जाता है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व बिहार हैं। इसकी पैदावार दक्षिण के राज्यों में अधिक व मध्य भारत की ओर कम है। अब बात करेंगे हम दालों की। दाल देखिए बेटा, दालें प्राय सारे भारत में पैदा की जाती हैं। दालों के अंतर्गत जो है वह कौन कौन सी दालें हैं बेटा? चना है, अरहर, मूंग, मोट, उड़द, मटर, मसूर वे लोबिया आदि का विशेष महत्व है। इनकी खेती रबी तथा खरीफ दोनों ही फसलों में की जाती है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी लोगों के भोजन का प्रमुख हिस्सा है। उपज की दिशाएँ देखेंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर दालें देश के सभी भागों में बोई जाती हैं। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ को बनाए रखती हैं। उत्पादन तथा वितरण देखते हैं। भारत दालों का प्रमुख देश है तथा विश्व का लगभग 20% जो दालों का उत्पन्न कहाँ से किया जाता है? इंडिया से किया जाता है। देश के कुल बोई गई क्षेत्र का यह 11% भाग पर दालों के अधीन है। वे 1950-51 में हम देखें तो इसका उत्पादन कितना होता था? 84.11 लाख टन होता था, जो 2011-12 में बढ़कर कितना हो गया है? 147 लाख टन हो गया है। भारत में दालों के उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई जिस अनुपात में अनाजों के उत्पादन में हुई है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई ताकि उत्तम तकनीक से अधिक क्षेत्र पर दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिमी के शुष्क भागों में की जाती है। शुष्क भागों में
शुष्क जो क्षेत्र है वह वर्षा निर्भर फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। 2012 के अनुसार भारत में दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है। कुल उत्पादन और परसेंट दिया गया है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन से स्टेट से किया जा रहा है? महाराष्ट्र से किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और 17 आंध्र प्रदेश में 17 लाख टन है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। अब बात करेंगे चने की। चना जो है वह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वर्षा पर निर्भर है जो देश की मध्य तथा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों में रबी के मौसम में बोई जाती हैं। चने की फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्ष की एक दो हल्की बौछारें तथा एक दो बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। उत्तरी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से चने की फसल के क्षेत्रों में कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूँ की फसल बोई जाती है। अतः वर्तमान में देश के कुल बोई गई क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर चने की खेती की जा रही है। देश का लगभग 41% चना मध्य प्रदेश में पैदा होता है तथा उत्तर प्रदेश का चने के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चने का उत्पादन है वो कहाँ से किया जाता है? हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, कौन है इसमें? तो वो कौन है? मध्य प्रदेश है। और दूसरे नंबर पे किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी चने की खेती की जाती है। चने की खेती के साथ समस्या यह है कि एक तो इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है तथा दूसरा हर साल इसके उत्पादन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अरहर के बारे में। तुर या अरहर चने के बाद भारत की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा कबूतरी मटर भी कहा जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है इसे? लाल चना व कबूतरी मटर के नाम से जाना जाता है। इसे देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के वर्षा निर्भर शुष्क क्षेत्रों तथा उपांत भूमियों पर बोया जाता है। अरहर की खेती देश के कुल बोई गई क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर की जाती है। देश के कुल अरहर उत्पादन का एक तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। इसके अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश हैं। अरहर की भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है तथा इसके उत्पादन में भी उतार चढ़ाव आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऑयल सीड्स तिलहन के बारे में देखेंगे। तिलहन तेल प्रदान करने वाले बीजों के समुच्चय को कहते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों से हमें तेल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तिलहन कहते हैं। और इसमें मुख्य तिलहन कौन से हैं बेटा? हमारे मूंगफली है, सरसों, तोरिया, तिल, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन हैं। कुछ बीजों से खाद्य तेल भी प्राप्त किए जाते हैं। इनमें जैसे कि नारियल है, महुआ बीज है तथा बिनोला है। उपज की दिशाएं देखते हैं। सभी प्रकार के तिलहनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, वर्षा एवं ताप की आवश्यकता होती है। तिलहन मुख्यतः शुष्क भूमि की फसल है। उत्पादन तथा वितरण। भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा तिलहन की जो उत्पादकता है वो कहाँ से की जाती है? भारत से की जाती है। तिलहनों के अंतर्गत देश के कुल फसलगत क्षेत्र का 14% भाग आता है। पिछले 61 वर्षों में तिलहनों का उत्पादन जो है वह 51 लाख टन से बढ़कर 282 लाख टन हो गया है। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी यह हमारी मांग से कम है। हमें तिलहनों का आयात करना पड़ता है। मध्य प्रदेश जो है वह तिलहनों का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल उत्पादन का 21.34% भाग है और जिसकी पैदावार कितनी है? 63.5 लाख टन उत्पन्न करता है। इसके पश्चात महाराष्ट्र में 16.36% है और गुजरात की बात करें तो वहां पर 15.89% है और टन के अकॉर्डिंग देखें तो पैदावार कितनी है? 47.3 लाख टन है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु तिलहन के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। मूंगफली देख लेते हैं। भारत विश्व की 17% मूंगफली उत्पन्न करने में विश्व में दूसरे स्थान पर है। देश की कुल बोई गई क्षेत्र में मूंगफली का हिस्सा कितना है? 3.6% क्षेत्र पर यह बोई जाती है। 2011-12 में भारत में 103 लाख टन मूंगफली का उत्पादन हुआ है।
यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा निर्भर खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण में इसे रबी के मौसम में बोया जाता है। देखिए, यदि हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में यह खरीफ फसल है, जबकि दक्षिणी भारत की बात करें तो यह रबी के मौसम में बोई जाती है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो इसमें कौन से, गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो देखिए, देश में मूंगफली के अग्रणी उत्पादक हैं मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में भी मूंगफली पैदा की जाती है। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग से, सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया था गेहूँ के टॉपिक से। तो गेहूँ में बेटा आपको बताना है सबसे पहले कौन सा अग्रणी राज्य है गेहूं के उत्पादन में, और भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं ज्वार के बारे में। हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार, ज्वार के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य ऐसा है जो अग्रणी है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से होना चाहिए, पता होना चाहिए, और सेकेंड और थर्ड का भी पता होना चाहिए। ऐसे ही बाजरा टॉपिक में से आप दो क्वेश्चंस निकालेंगे, और ऐसे ही मक्के में से आपको निकालने हैं। ठीक है, मक्का, फिर हमने दालें पढ़ी, दालों के बाद हमने तिलहन पढ़ना स्टार्ट किया था, और तिलहन में हमने जो सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, तिलहन के बारे में पढ़ा, फिर तिलहन में हमने मूंगफली के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए।